पिछले दाल के इस्तेमाल की रही, मेरे पिछले मतलब वीडियो में है भवारी बनाने की विधि, उसमें मैंने जिस दाल का इस्तेमाल किया वही मैं पकौड़े बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं आधी दाल निकाल चुकी रही, तो उसके मैं पकौड़े बना रही हूँ। तो देखिए ये मसूर की दाल और चने की दाल का मैंने पेस्ट बना लिया है, रात को मैंने 7-8 घंटे के लिए भिगो के रख दी रही, इसका फिर मैंने अच्छी तरह से धो के पेस्ट बना लिया है। और इसके लिए मुझे मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसे मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया। इसके छोटे छोटे टुकड़े हम बना लेंगे। और थोड़ी मेरे घर में कश्मीरी भाजी लगी है, उसको मैं थोड़ा डाल रही हूँ। और ये अदरक लहसुन और जीरे का पेस्ट है, इसे हम इसमें मिला देंगे। और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें मिला सकते हैं, और थोड़ा सा क्रश करके इसमें अजवाइन डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पकौड़े बनाने की विधि। हाँ दोस्तों, तो ये हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लेते हैं, आप छोटा या बड़ा काट सकते हैं। ये कश्मीरी भाजी आप मतलब पकौड़े वगैरह में मिला के बना सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होती है, इसे कश्मीरी भाजी कहा जाता है। और ये हम प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं इस तरीके से। और पकौड़े ठंडी के सीज़न में बहुत ही अच्छे लगते हैं, एक बरसात के सीज़न में और एक ठंडी के सीज़न में हम पकौड़े खा सकते हैं बनाकर, और चाय के साथ चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म, बहुत ही फायदेमंद होता है। इस तरीके से हम छोटे छोटे टुकड़ों में प्याज को काट लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये मैंने प्याज काट लिया है, अब इस पेस्ट में मैं प्याज मिला लेती हूँ। पालक मिला लेती हूँ, कश्मीरी भाजी, ये मेरे बगिया में है, छोटी सी मेरी बगिया है, उसमें मैंने ये लगाया है। और अभी सुबह का वक्त है इसलिए सब्जी वाले नहीं निकले हैं, तो मैं इसमें अभी धनिया नहीं मिला सकती, तो आप चाहें तो इसमें हरी धनिया पत्ती भी मिला सकते हैं। और ये लहसुन अदरक और लाल मिर्च का पेस्ट है, तो इसे हम मिला लेते हैं। आप अपने अनुसार स्वाद के अनुसार तीखा कम या ज़्यादा जितना खाते हो आप मिला सकते हैं, हमारे यहाँ थोड़ी हल्का तीखा खाते हैं इसलिए मैं इतना मिला रही हूँ मिर्च। और ये अजवाइन है, इसे हम क्रश करके डाल देते हैं इस तरीके से। क्रश करके डालने से स्वाद ज़्यादा बढ़ जाता है अजवाइन का। और ये मैं स्वाद के अनुसार नमक मिला देती हूँ, आप जितना नमक कम या ज़्यादा खाते हैं आप मिला दीजिएगा। अब इसे हम एक बर्तन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, बनते हैं और सभी को पसंद आते हैं, बच्चे हों या बड़े। और इसे हम झटपट बनाकर तैयार भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है बनकर। ठंडी के सीज़न में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, इसे जब भी मन पड़े खाने का तो आप जरूर बना के खाइएगा और बताइएगा कैसे बने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पकौड़े बनाने के। दोस्तों मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, अब मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ। अब इस पर मैं पकौड़े बनाने के लिए सरसों का तेल डाल रही हूँ। अब सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा तेल गरम हो चुका है, तो चलिए अब हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हम छोटे छोटे पकौड़े इसके तोड़ लेंगे, हमें ज़्यादा फ्लेम तेज नहीं रखना है, इसकी मीडियम फ्लेम पे ही हमें पकौड़े तलने हैं, क्योंकि ज़्यादा फ्लेम रखने से ऊपर से तो पक जाते हैं मगर अंदर से अच्छी तरीके से नहीं पकते हैं। सरसों के तेल में पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं।
तरीके से हम छोटे छोटे पकौड़े इस पर डाल देते हैं। अब इसे हम हल्के हाथों से चलाते जाएंगे इस तरीके से, इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हो रहे हैं ये, जितने अच्छे दिखते हैं उतने ही खाने में स्वादिष्ट होते हैं। आप एक बार जरूर बना कर देखिएगा। पकौड़े तो हम हर सीजन में ही पसंद करते हैं, खासतौर से ठंडी सीजन में बहुत ही पसंद आते हैं। इस तरीके से हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये जल न जाए। ये देखिए दोस्तों हमारे पकौड़े कितने ही प्यारे लग रहे हैं। हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो गए, फिर हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसका एक्स्ट्रा तेल हम इसे इस तरह से निकाल लेते हैं। बाकी सारे पकौड़े भी हम इसी तरह निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसे गोल चपटे आकार में भी मन चाह आकार दे सकते हैं। मैं इसे गोल ही बना रही हूँ क्योंकि गोल बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं खाने में। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों यह हमारा पकौड़े बनकर तैयार हो गया है। गर्म गर्म पकौड़े आप चटनी के साथ, सॉस के साथ और चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों जैसा भी मेरा मतलब रेसिपी बनी है तो आप इसके लिए कमेंट्स जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स।